दोस्तों नमस्कार। आप देख सकते हैं आज मैंने इस मिक्सर के जो ये साउंड का इफेक्ट्स 12 है, इसका मैंने सारे का ये आप फेडर का जो भी नॉब वगैरह होता है ये सब मैंने प्लास्टिक हटा दिया, सारे नॉब सब फ्री कर दिए हैं और मैं इसको आज ओपन करने जा रहा हूँ। ओपन करके इसमें थोड़ा सा जो गंदगी अंदर गई है उसको मैं हटाने की और साफ़ करने की कोशिश करता हूँ और आपको बारी बारी से दिखाऊँगा कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं और कैसे कैसे क्या होता है। आप देख सकते हैं इसमें ये बहुत ये सब पिन वगैरह सब मुझे हटाने पड़ेंगे। अभी मैं आप देख सकते हैं ये मैंने इसको हटा भी दिया है। तो ऐसे करके मैं क्या करूँगा कि आज सारे जैसे कि इसमें मैंने आप देख सकते हैं स्पीकॉन XLR में मैंने ये पेज हटाया है, अभी सारे का पेज हटाऊँगा और सभी को हटाने के बाद इसको मैं ओपन करूँगा। और इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि आप ये देख सकते हैं इसमें बहुत सारी डस्ट आपको दिखाई दे रही होगी इसके अंदर में, तो ये डस्ट वगैरह जो भी है सब मैं ब्रश से साफ़ करूँगा। और इसमें थोड़ा सा फेडर वगैरह फंस रहे हैं उसकी भी सफाई की जाएगी। आप समझ सकते हैं कि अभी सीज़न हमारा ऑफ हो चुका है, छोटे मोटे काम आते हैं जो कि मैं दूसरे मिक्सर से निपटा देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा रिपेयर करूँगा और साफ़ सफाई करूँगा, उसके बाद इसको कंटिन्यू करूँगा। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि सब जितने भी पेज वगैरह हैं ये सब मैंने हटा दिए हैं। अब मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ और इसके अंदर क्या है वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये जितना भी स्पीकॉन वगैरह है आप देख सकते हैं बहुत ही बारीकी से, इसमें बहुत सारा डस्ट वगैरह आप देख सकते हैं, बहुत सारा डस्ट इसके अंदर है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भाई बहुत सारी मिट्टी धूल वगैरह, तो इसको मैं ब्रश से साफ़ करूँगा और उसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या, बहुत सारी गंदगी इसके अंदर आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं ये आपका जो ये आप देख सकते हैं यहाँ से गेन का फेडर होता है, इसके बाद ये आपका HF है और ये जो HF में यानी कि आप इसमें फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं मिड की, ये मिड का है और इसके बाद में ये बेस होता है। तो आप देख सकते हैं कि करके ऐसे ही ये सिस्टम बना हुआ है और ये आपका पैन का नॉब है, ये देख सकते हैं अभी इसकी सफाई की जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से, उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। ये आप देख सकते हैं इतना गंदा है। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये जो इसके अंदर का पार्ट है ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको पूरा ओपन कर दिया है और ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक और ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया भाई और बहुत ही तगड़ी मैन्युफैक्चरिंग इसकी की गई है। आप चाह के भी इसमें कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते। ये आप देख सकते हैं ये जैक है और ये जो ये बीच का पार्ट है और अभी आप देख सकते हैं ये इसके नीचे का पार्ट है यानी कि जहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसके पीछे का पार्ट। और इस पार्ट में क्या हुआ आप ये एक देख सकते हैं ये कार्ड टाइप दिया हुआ है, इसमें शायद इफेक्ट का जो प्रोसेसर वगैरह है वो सारा कुछ इसी के अंदर है। अभी आप देख सकते हैं इधर से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसके नीचे कुछ IC वगैरह दी गई हैं जो कि बहुत ही तगड़े तरीके से। और इसके नीचे आप देख सकते हैं इसके नीचे जो हमारा पावर सप्लाई होता है वो दिया गया है। और उसके बाद अभी आप देख सकते हैं ये इसके ऊपर का पार्ट है। दोस्तों आपकी खातिर हमने बहुत मेहनत की है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थोड़ा सा और ये देख सकते हैं एकदम नया करके छोड़ेंगे आज इसको। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं ये हमारा ब्रश है और मैंने इसी से जो है इसको एक एक करके पूरा साफ़ किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये जो आप प्रोग्राम सेट करते हैं इफेक्ट का वो आप इस नॉब से करते हैं और किस तरीके का ये नॉब है आप देख सकते हैं, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ये कभी टूटने न पाए नहीं तो चेंज नहीं होगा यहाँ पे। और बहुत ही अच्छे तरीके से इसके फेडर वगैरह आप देख सकते हैं बहुत ही तगड़े यानी कि अपने यहाँ देसी जुगाड़ में जो फेडर आते हैं उनसे बहुत ही अच्छे और दूसरे टाइप के ये होते हैं। तो इनके अंदर भी थोड़ा सा डस्ट था वो मैंने साफ़ करने की कोशिश की है, जहाँ तक जो साफ़ कर चुका हूँ यानी कि साफ़ कर पाया हूँ किया हूँ। और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पोर्ट दिया गया है यहाँ पे ये इसमें हमारा जो SMPS से आती है वापसी सप्लाई की
वो दी गई है। और उसके बाद ये जो हमारा ये दिया गया है, ये हमको लगता है इफ़ेक्ट के खातिर दिया गया है, इसमें इफ़ेक्ट प्रोसेसर के खातिर इसको दिया गया है। और वो जैक जो इफ़ेक्ट प्रोसेसर का है यहाँ पे इनपुट होता है, और बहुत ही तगड़े तरीके से पिन वगैरह दी गई है भाई अपने कंप्यूटर के माफिक। और ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इतना ही था। लेकिन इसको जो है कि आप देख सकते हैं इसके साथ में जो भी कुछ, ये आप देख सकते हैं इसके सारे नॉब हैं, इसकी ये ऑन ऑफ के स्विच और पीएफएन का, और ये आप फेडर वगैरह देख सकते हैं, बहुत सारे तो पेच इसमें थे और बहुत कुछ था इसके साथ में। तो आप देख सकते हैं बहुत ही तगड़ी मैन्युफैक्चरिंग होती है साउंड क्राफ्ट की। आप देख सकते हैं माइक जो लाइन इनपुट के ऊपर दिया गया है वो, और ये बहुत सारे लगे हुए थे वाटसन टाइप से, जो कि माइक का जो एम्प यानी कि माइक का जो ये सॉकेट है इस पर दिया गया था। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे से इसको साफ़ करना है, ध्यान से कुछ इसमें उखड़ने ना पाए। और आप ये प्री एम्प देख सकते हैं इसका, यानी कि गेन स्ट्रक्चर, यहीं से ही आप गेन बढ़ाते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइन इन है और ये इंसर्ट का है, और ये आप देख सकते हैं न्यूट्रिक का सॉकेट दिया है। तो बहुत ही अच्छे से इसको बनाया गया है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अब हमारा सीजन हो गया है ऑफ और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाने की देने की कोशिश करता रहूँगा। तो आप सभी से गुजारिश है आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।